की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है, हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है, इतिहासों से भी बहुत पुरानी अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यही यज्ञ और हवन सजे, थे छह दर्शन भी यही जगे, थे चार धाम भी यही बने, अलग सनातन की जाति धम्म शरण के मंत्र जगे, नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारे गोपुर शिखर रचे, धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की ज्योत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया था, जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका कीरत खड़िया बिरसा ने गोरू को बहुत खदेड़ा था, रानी चिनम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थरथर फेरा था, फिर मंगल दाता बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा था, फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने चाल, और बापू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निहार, मौलाना नेहरू राजा जी मुंशी सरोजनी और सरदार, सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार, प्राण आहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास, बिस्मिल अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी आजाद सुभाष, बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपनी सेना, है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना, दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं नामी, आधार दिया हर जन का कोई मजलूम नहीं बाकी, 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है, 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित, आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत, ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई, जहाँ भारतवासी सभी बराबर कोई बस्ती नहीं छूट पाए, हर युवा उद्यमी उत्साही सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी, हर गांव स्वच्छ हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी, सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए
इस सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौए समा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? जब हम भारतवर्ष के मूल तत्व को खोजें, तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो है हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। तभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी नित नई चुनौती है। इस काम में हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर में उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम के चार चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो बस एक है, वो है हमारा तिरंगा, जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, एकता में अनेकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आज हम सब फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की।
करें हम सब अपनी भारत माँ का और एक समवेत स्वर में गुनगुनाएं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। लाइटिंग चेंज होती रहेगी इस तरह बिल्डिंग को। हेलो हाय जो हेलो मैं इधर उधर आया हूँ बीटिंग की ट्रीट देने। अभी खत्म हो रहा है 5 मिनट बचा है। कभी राष्ट्रगान होगा I think so.